हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से फिजिकल वर्ल्ड के फोर्थ लेक्चर में। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये जो चौथा लॉ, अगले तीन लॉ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए, वो क्या थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और अगले चौथा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ का मतलब क्या है वो मैं बोल दूं आपको। लॉ है कि नेचर कैसे बिहेव करता है, वो हमें कौन बोलेगा? लॉ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, और सब में एक चीज जब कॉमन पाई जाती है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट आप सोच सकते हो? आप बोलोगे सर 10 या 12 एक्सपेरिमेंट, नहीं, बहुत, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। एंड देन आफ्टर समथिंग रिमेन्स कॉमन इन ऑल दैट एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, एक चीज हमेशा कॉमन ही रहती है। फिर बाद में सब मिलके वो ऐसा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है लॉ, वो क्या बन जाता है लॉ। इसका रीजन तो ये तो इतना मतलब कि हम 100% कोई भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये नेचर है। ठीक है ना, नेचर को हम अभी पूरी तरीके से नहीं जान सकते, कोई नहीं जान पाया है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही कंसिडर कर लेंगे, हाँ भैया ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फैमिली में लॉ है कि सबसे बड़ा रूल किसका? पापा का। पापा जो बोलेंगे वही सही होगा। ठीक है, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्यों? आप बोलते वही सही होगा, वरना चाटा पड़ेगा, फिर वही सही होगा। तो उसको लॉ बोला जाता है जो बरसों से चला आ रहा है। ठीक है ना, कन्वेंशन। हाँ, तो ऐसे तीन लॉ हमने पढ़ लिए, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो उन लॉज में थोड़ी आपको मतलब कि नई टर्म्स देखने को मिली। ठीक है, और वो सिर्फ इंट्रो था, उसका डिटेल डिस्कशन हम आगे के चैप्टर में करने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको वो थोड़ा समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ उसको समझ लो। मतलब कि क्या, कि हाँ, कि अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कॉन्स्टेंट। लीनियर मोमेंटम की बात करें तो कब लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा? जब फोर्स नहीं लगेगा, इतना, जब टॉर्क नहीं लगेगा तब कौन सा एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। इतना अगर आप याद कर लोगे देन ऑल्सो इट इज इनफ है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कुछ याद नहीं देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज, ओके, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। आपने टेंथ में पढ़ लिया है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही पॉजिटिव प्रोटॉन पे है। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो आपके पास चार्ज कितना है? जीरो। आप अपने आप को न्यूट्रल बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर आप वो किसी और से शेयर नहीं करते, जैसा कि हमने एनर्जी वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, मतलब कि कई कोई किसी और से आप इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, ना तो आप किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देते हो। दो चीज, अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आपका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। लेकिन आप उसमें से कोई भी चीज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने जो इलेक्ट्रॉन के बारे में चीज बोली, सेम टू सेम यू कैन कंसीडर फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन। सेम वी आर डूइंग, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव अ चार्ज। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रॉन। सो वॉट यू कैन से दैट इफ यू आर नॉट एक्सचेंजिंग अ चार्ज, और यू कैन से that if you are behaving like an isolated system, then your charge will remain conserved.
your charge will remain constant. Like what, suppose if you have a 2 electron and 1 proton, then you have a negative charge. But still, if you are not exchanging charge, this electron and proton with anyone, then what you can say, your charge will remain constant. Clear? You are considering yourself as a isolated body. Clear? If we consider this as a body number 1 and this as a body number 2. See, we have a two bodies, body number 1 and body number 2. Let us consider that this body contains 3 electrons and 3 protons. And this body contains 7 electrons and 9 protons. Let's consider. Consider करने में क्या है? ठीक है ना? और हम उन दोनों को मिला के एक सिस्टम लेंगे. ठीक है? वो कौन सी सिस्टम हम लेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम. कैसे सिस्टम हम लेंगे? आइसोलेटेड. तो देखो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, 9 + 3 12 प्रोटॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव तो कितना नेगेटिव? -e. पॉजिटिव तो कितना पॉजिटिव? +e. अब ये e क्या है? e एक कॉन्स्टेंट है बच्चों. e की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. मतलब कि -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम? सो टोटल चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन मींस -10e, 12 प्रोटॉन मींस +12e. So 12e -10e is equals to 2e. So what is the total charge? 2e. Clear? Now let us consider that this body, whatever you can consider. Okay, बाहर से नहीं, या तो ये इसको दे या ये इसको दे. This body donate 1 electron to second body. Then here it will becomes 8 electron. क्या बन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2. तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने रहे? देखो 8 + 2 = 10. नेट प्रोटॉन 9 + 3 = 12. अगेन यू हैव अ सेम चार्ज. आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते. ठीक है, अभी तक, मतलब कि अभी तक हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते. आगे चल के अगर आप थोड़ी डिस्कवरी कर लो तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल दैट सम मे डिस्कवर दैट इलेक्ट्रॉन मे बी ब्रेकेबल. बहुत साल पहले ऐसा था कि एटम जब डिस्कवर किया गया था, एटम का मतलब ही है अनब्रेकेबल. तब उन लोगों ने बोला था कि भैया एटम है वो अनब्रेकेबल है. बहुत सब लोगों ने मान लिया. बाद में साइंटिस्ट आए, वो रदरफोर्ड और जेजे थॉमसन और कई सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए. उन लोगों ने बोला कि एटम को ब्रेक कर सकते हैं भैया. ठीक है ना, बाद में हमने मान लिया कि एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं. लेकिन अभी हम नहीं मान रहे कि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर सकते. पॉसिबल है फ्यूचर में ऐसा डिस्कवरी हो जाए कि ऐसा बोले कोई कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक. ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसा मान लेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किसी को भी ब्रेक नहीं कर सकते. हालांकि आप पढ़ेंगे ये डिस्कवर हो चुका है कि प्रोटॉन है वो क्वार्क से बना हुआ है. किससे बना हुआ है? क्वार्क. पर वो क्वार्क आपस में जुड़े रहते हैं, दे कैन नॉट गेट सेपरेटेड. ठीक है, वो अभी डिस्कस करने की मतलब कि इतनी जरूरत नहीं है. तो आपको ये समझ में आया? हाँ, ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा चार्ज कितना रहा? 2e. ठीक है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में हमने 2 लिए, 3, 4, 10 जितने भी लिए, वो आपस में जब चार्ज एक्सचेंज करेंगे, लेकिन उनका टोटल चार्ज कैसा रहेगा? कॉन्स्टेंट. तो चलो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं. क्या स्टेटमेंट है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व. ठीक है, हर बार ऐसा देखा दिया, फिर उसको लॉ बना लिया कि भैया क्या चीज कॉन्स्टेंट रहेगी?
टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कॉन्जर्व। ओके, और उससे एक और स्टेटमेंट भी डिराइव किया गया, क्या कि वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज नाइदर, ये एनर्जी जैसा ही मालूम पड़ रहा है, नाइदर वी कैन डिस्ट्रॉय चार्ज। अब बोलो कि सर मेरे पास -3 इलेक्ट्रॉन है, -3 मैंने +3 ला दिया, 0 हो गया, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप मार नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, वो तो टोटल चार्ज 0 हो गया ना, लेकिन उनके पास तो अपना इंडिविजुअल तो चार्ज है ही ना, वो आप नहीं खत्म कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। वी कांट क्रिएट चार्ज, नाइदर वी कैन डिस्ट्रॉय चार्ज, ओनली वी कैन डू इज देयर वी कैन ट्रांसफर द चार्ज। हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स ले हमारे जो नॉलेज में है, ठीक है, उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर ले, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने चार्ज किसी को नहीं देगी, तो पूरे वर्ल्ड में जितना चार्ज है वो हमेशा कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो एक स्टेटमेंट वो भी लिख सकते हैं, क्या है, इन यूनिवर्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, कैसा रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम देखते लेते हैं, एक सर्किट है, ठीक है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, फिर यहां हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सोचो, देखो ये 3, तो इसमें से 2 चले गए, तो यहां पर 1, मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज आया उतना चार्ज चला गया, यहां 1 तो कितना जाएगा, 2, ठीक है, और यहां 2e है, ये e उधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, e, ठीक है ना, यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये सब लॉज आगे जाके फिजिक्स में बहुत बहुत यूजफुल है, ये चार लॉज है। फिजिक्स इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये चार लॉ पढ़ लो और फिर वेरियस सिचुएशन में इन लॉ को लगा, तो आपको फिजिक्स इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमारा यहाँ पर डिस्कशन खत्म हुआ कि फिजिकल वर्ल्ड में चार्ज हमने जो फोर्स पढ़े थे वो और ये चार लॉ। आगे के लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।